हेलो गाइस, इस वीडियो में हम BHU BAMS, NIA BAMS और NIH कोलकाता के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में बात करेंगे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले BHU BAMS से। BHU BAMS की कुल 50 सीटें हैं जिसपे एडमिशन दिए जाते हैं और लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो BHU की BAMS की लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 553 थे, OBC के लिए 548 और SC के लिए 372 थे, जबकि EWS के लिए 554 थे। इस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है जिसके कट ऑफ रेंज 555 से 560 के बीच जा सकती है, जनरल हो या फिर EWS। और OBC कैटेगरी की बात करें तो 550 से 555 के बीच जाने की संभावना है। और इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो BHU में BAMS की फ़ी 29,874 रुपये है। और अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में BAMS की कुल 125 सीटें हैं और लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 544 थे, जो कि BHU से थोड़ी सी कम थे। EWS के लिए 543 और OBC कैटेगरी के लिए 542 थी, जबकि SC के लिए थोड़ी सी ज़्यादा BHU से 435 थी। और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है जिनके मार्क जनरल हो या फिर EWS 545 से 560 के बीच हो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो 545 से 555 के बीच जाने की संभावना है, जबकि SC कैटेगरी के लिए 435 से 450 के बीच जिनके मार्क होंगे उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो सकता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 42,025 रुपये पर ईयर है, जो कि BHU से थोड़ी सी ज़्यादा। और अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में BHMS की कुल 125 सीटें हैं और लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 493, EWS के लिए 462, OBC के लिए 464 और SC कैटेगरी के लिए 372 थे। तो इस साल अगर कट ऑफ रेंज की बात करें तो मुझे लगता है जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 495 से 515 के बीच जिनके मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और OBC की बात करें तो 465 से 485 के बीच जिनके मार्क हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, जबकि SC की बात करें तो 380 से 390 के बीच आसानी से BHMS मिल सकता है। अब इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो NIH कोलकाता की फ़ी 35,450 रुपये है, जो कि थोड़ी सी कम। अब इसकी काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये तीनों एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जिसकी काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग कमेटी कराती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 और सिक्योरिटी मनी 10,000 देनी पड़ती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 और सिक्योरिटी मनी 50,000 देना पड़ता है। अगर दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो वही फ़ी रहेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 और सिक्योरिटी मनी 50,000 रहेगी। अब फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट दी जाती है, मतलब अगर सीट फर्स्ट राउंड में किसी को अलाट होती है और वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाती। लेकिन अगर सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में अगर किसी को सीट अलाट होती है और कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है तब उसकी फ़ी जब्त कर ली जाती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन मिलने के बाद स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहते, इस बात का ध्यान रखना है। और मॉपअप राउंड के बाद जो सीटें बचती हैं वो सारी की सारी स्टेट राउंड वैकेंसी में जाती हैं। स्टेट राउंड वैकेंसी केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। लास्ट ईयर अगर NIH कोलकाता की बात करें जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जो कि सेकेंड राउंड यानी मॉपअप राउंड तक 493 थी, वो स्टेट राउंड वैकेंसी में घट करके 296 पे आ गए थे, 296 थी।